अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यू आर की वॉचिंग माय ऑफिशियल चैनल। सो प्लीज स्टार्ट द चैनल एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, माय यूट्यूब ऑडियंस। प्लीज आई वांट योर सपोर्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसे हैं? आज मैं आप लोग लेकर आई हूँ यम्मीस्ट यम्मी रशियन सैलड, बहुत ईजी बंसेदार और हेल्दी। मतलब कहते हैं आज शब बारात की 14वीं तारीख है, मतलब कल शब बारात है, तो आज हमारे घर में रोज़ा था हम सबका और कल भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला होगा। तो बस ये फिर टाइम था, मैं सारा रशियन सैलड बनाती हूँ और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर थी बंद गोभी, कैप्सिकम, गाजर, एप्पल बन और मैक्रोनी पास्ता ले लें, मैक्रोनी ले लें, एक ही बात है। मेरे पास दिवाली रिंग वाली थी, मैंने वो यूज़ की। क्रीम है, मेयोनीज़ है, कैस्टर शुगर है, आलमंड है, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, टैलेंट वाले को यूज़ करती हूँ हमेशा से, एंड सॉल्ट। ओके, तो देन हम आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये सारे इंग्रेडिएंट है, आप लोग सब देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, बताने की ज़रूरत नहीं, सबके पास होते हैं घर में अवेलेबल। और एक अच्छा सा खुला सा बाउल है जिसमें अपनी पूरी प्रिपेयर करेंगे मैरिनेशन सब कुछ ए टू जेड। सबसे पहले हमने ली थी मेयोनीज़, देन मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम। क्रीम आप नूरपुर के लिए, नूरपुर की भी ले सकते हैं, मैं मिल्पैक की यूज़ कर रही हूँ, स्वीट वाली जो होती है। देन हमने डाला इसमें ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, देन हम यूज़ कर रहे हैं वाइट पेपर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ठीक है, आप लोगों के घर में इतना हो, हमारे घर में तेज़ खाया जाता है तो मैंने तेज़ डाला था। ठीक है, आप लोगों को पिंच भी डालना तो पिंच भी डाल लें, अगर जिनको सरसी शुगर डालें तो वो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। देन हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है, तो अंडा फेंटते हैं ना, फेंटते तो उसी तरह उसके बाद कैस्टर शुगर आधी आधी डाल के इसको बीट करेंगे अच्छे तरीके से। ये नहीं कि एकदम सारे डालें और एकदम से मिक्सर, नहीं, टू टू स्पून डालें और इसको मिक्स करते जाएँ अच्छे तरीके से। इसकी मिक्सिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं ना बस ऐसे डालें ऐसे क्यों मिक्स करें, बन जाए, नहीं, रशियन सैलड में मेहनत होती है, इतनी नहीं होती लेकिन प्लीज़ की मैं क्या कहते हैं मिक्सिंग में काफ़ी टाइम लगता है। अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि ब्लैक पेपर, वाइट पेपर सब आपके फ्रूट्स के साथ, आपकी वेजिटेबल्स के साथ में अच्छे से डिप हो जाए, मज़े मज़े के लगे। देखिए मैंने अपनी सारी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दी, जो इसमें खीरा, गाजर, शिमला मिर्च इसमें और एप्पल्स हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ली है आलू, मैंने बॉईल कर दी थी, मैंने फाइन चॉप किए थे, और उसके बाद मेरे पास बंद गोभी है, सॉरी फूल गोभी है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है मैक्रोनी, देन मैंने इसमें थोड़ी सी मेयोनीज और ऐड की। यंग वालों की मेन्यू यूज़ की, यंग सालों की मेयोनीज बेस्ट है, नेशनल की जो उसमें एग है वो बहुत ज़्यादा मोटी सी हो जाती है, तो आप लोग प्लीज़ चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप लोग यंग सालों की मेयोनीज यूज़ करा करें। देन बस हमारा मिक्स हो गया अच्छी तरीके से, अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ अच्छे से किसी बाउल में, कांच के बाउल में किसी में भी ऐड कर लें, मुझे ये पसंद है फ्रूट्स बने हुए थे तो मैं इसमें निकाली थी। ऊपर से मैंने इस पर स्प्रेड की है अपनी क्रीम, उसके मैं इस पर आलमंड्स, आप किशमिश भी डाल सकते हैं जिसमें किशमिश डलती है, ऊपर मैंने यहाँ पे आलमंड स्प्रेड कर रही हूँ अच्छी सी खूबसूरती डेकोरेशन के लिए। आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो घर के अंदर। और अभी देखिए बस मैं इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज लगाती हूँ, बिल्कुल रेडी है, मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, बहुत मज़े की। प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।